हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ कांजीवरे की रेसिपी। तो इसका बनाने और खाने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है और ना ही कोई फेस्टिवल में, ज़रूरी नहीं कि आप फेस्टिवल में बनाएं। तो देखिए, मैं आज झटपट बनने वाली कांजीवरे की रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ पर मैंने ली है 2-4 हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक। यहीं पर मैंने ली है मूँग का दाल, इसको अच्छी तरीके से मैंने भिगो ली है। यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूँग का दाल ली थी, ऐसे भिगो के उसके बाद मैंने देखिए अच्छे तरीके से इसको मिक्सी में पीस किया। और मैंने 2-3 हरी मिर्च और जो अदरक का टुकड़ा था वो साथ में मैंने ग्राइंड कर लिया है, ताकि मैं ऊपर से नहीं डाल सकूँ। बहुत जन ऊपर से भी डाल देते हैं कुछ टुकड़ों में कट करके, लेकिन मैं पीस ली हूँ साथ में। यहीं पर मैंने धनिया पत्ता ऐड कर दिया है, क्योंकि ये इसका बनाने का कोई ये भी नहीं है कि आप फेस्टिवल में ही बनाएं या फेस्टिवल में ही खाएं। ये गर्मी का टाइम है, आप जब कभी बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं और ठंडी ठंडी चिल चिल खा सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं और खाने में बहुत यम्मी लगते हैं ये, और पेट के लिए बिल्कुल अच्छे हैं ये, पेट के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये। तो ये जब कभी भी बना के आप इजीली तरीके से खा सकते हैं, और इसको बनाने में ज़्यादा ये नहीं टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। बस यहाँ पे देखिए मैंने डाले हैं नमक और साथ में मैंने धनिया पत्ता ऐड किए हैं, साथ में मैंने थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी हल्का सा अजवाइन और जीरा। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने हल्दी भी ऐड कर दी हूँ, हल्का सा मैं मिक्स मसाला ऐड कर रही हूँ, मतलब छोटे चम्मच से आधे चम्मच टेस्ट के हिसाब से। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी ऐड ना करें, यहाँ पर सिर्फ जीरा और हल्का सा लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहीं पर चुटकी भर हींग मैंने ऐड कर दिए थे, और यहीं पर देखिए मैं अच्छी तरीके से सारे चीज़ को मिला लूँगी जितने भी मैंने यहाँ पर, और इसको मैं कंटिन्यू मिलाती रहूँगी, मतलब अपने हाथों के मदद से, ताकि जो है इसको इसमें एक मतलब फूलने के लिए हाथों से मिलाती रहूँगी अच्छी तरीके से, इसको हाथ से फेंटूँगी मैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे बनाते हो और किस तरीके से बनाते हो, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ। आप देख पा रहे होंगे तेल भी मैंने अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है, और बिल्कुल मैं चलने की मदद से बनाती हूँ और बिल्कुल गोल गोल अच्छे एकदम बनते हैं ये। तो आप देख पा रहे होंगे मैं चलने पे कैसे किस तरीके से मैं यहाँ पर चलने के ऊपर रख रही हूँ, और रख के उसके बाद मैं इसको तेल में छोड़ रही हूँ। देखिए इजीली तरीके से ना ये बहुत गोल गोल, और देख पा रहे होंगे एकदम बिल्कुल फूले फूले कांजीवरे बन के बिल्कुल तैयार हुए हैं। यहाँ पर अगर दाल थोड़ा सा पतला हो जाता है तो आप यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा आप आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं दाल बिल्कुल परफेक्ट पीसी थी, इस वजह से मेरी बिल्कुल परफेक्ट बने थे कांजीवरे। और देख पा रहे होंगे मैंने जितने भी कढ़ी मैं यहाँ पे डाली हूँ, सारे मतलब जितने भी कांजीवरे हैं सारे अच्छी तरीके से फूले फूले आ रहे थे, और आप देख पा रहे थे बिल्कुल इजीली तरीके से बन रहे थे, बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, ना ही तेल में डालते हुए और ना ही कांजीवरे को फूलते हुए, और बहुत मतलब अच्छे बने थे और बहुत टेस्टी भी बने थे ये। आप चाहे तो यहाँ पे अदरक लहसुन का जो है टुकड़ा मतलब पीसे ना, आप अदरक लहसुन जो है मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके यहाँ पे ऐड कर दे, लेकिन मैंने कट करके ऐड नहीं किए थे, क्योंकि बहुत जन मतलब बच्चे लोग हैं ना, मुंह में जब आते हैं तो उसको पसंद नहीं करते हैं खाना, इसीलिए मैं उसको साथ ही मैंने पीस लिए थे इस फ्लेवर के लिए। तो आप चाहे तो यहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा ऐड करके धनिया पत्ता और ये सब सारे ऐड करें। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कांजीवरे जैसे मैं मुझे चाहिए था, मैं बिल्कुल वैसे ही बनाई हूँ। सारे के सारे जितने भी मतलब तेल में ऐड करी हूँ कांजीवरा, सारे फूल गए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरीके से गोल्डन होने तक इसको मैं पकाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से इसको पलट पलट के मैं पका रही हूँ, और गर्मी का टाइम है, ये आप बना के फ्रिज में स्टोर करके भी 2-3 दिन तक रख के आप खा सकते हैं। तो फाइनली देखिए अच्छी तरीके से लाल हो गए हैं, मुझे जिस कलर से मतलब चाहिए तो उसी कलर तक मैंने लाल किए हैं इसको। अब इसको मैं सारे निकाल लूँगी, एक अलग प्लेट में निकाल के इसको साइड रख दूँगी, ताकि जो है जितने भी मतलब कांजीवरे के जो बेटर है अच्छी तरीके से मैं उसको सारे को मैं बना पाऊँ। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल मैं क्रिस्पी हो गए थे, तो मैं इसको निकाल के साइड रख ली हूँ, और कलर भी बहुत अच्छे आए थे इसके, अब बने भी बहुत टेस्टी थे। तो देखिए इस तरीके से मैं निकाल के, मैं यहाँ पे फ़िलहाल सादा पानी में इसको डाल के रखी हूँ। सादा पानी में डालने के बाद देखिए मैं अच्छी तरीके से इसमें पिसे हुए सारे मसाले डाल के मैं भिगो के रख दी हूँ, ठंडे ठंडे चिल चिल खाएंगे और बिल्कुल टेस्टी लगते हैं, जब चाहे इसको खा सकते हैं। तो कैसा लगा रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।